नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। निर्भया की मां किस पर और क्यों भड़की? जी हां, निर्भया की मां इस वक्त बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज है पूरे सिस्टम से और वैसे लोगों से जो उसके निर्भया के गुनहगारों की फेवर में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंदिरा जयसिंह की। देश की एक जानी मानी और प्रतिष्ठित वकील हैं इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह ने दरअसल एक ट्वीट करके ये कहा था कि निर्भया की मां आशा देवी को उसके गुनहगारों को माफ कर देना चाहिए, फांसी की सजा माफ कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इंदिरा जयसिंह ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए ये कहा कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया था, उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया था, उसी तरीके का बड़ा दिल दिखाना चाहिए निर्भया की मां आशा देवी को और निर्भया के इन चारों गुनहगारों को जो फांसी की सजा हुई है उनको माफ कर देना चाहिए। इस पर निर्भया की मां बेहद गुस्से में है और साफ तौर से निर्भया की मां ने यह कहा कि इंदिरा जयसिंह कौन होती हैं और उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की। ऐसे लोग जो हैं वो रोजी रोटी अपनी चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरों के इमोशन से खेलते हैं और उनकी अपनी दुकान चलती है। निर्भया की मां ने साफ तौर से ये गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि ये लोग जो 2012 से सड़कों पर उतरे, हमारे साथ खड़े हुए, वो आज हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं और हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन लोगों ने मदद की वो आज हमारे नाम पर राजनीति कर रही हैं। जी हाँ, दरअसल ये सारा सिस्टम और निर्भया के माँ का गुस्सा जो है वो बेहद जायज है। आपको बता दें कि जरा सी लापरवाही की वजह से जो दो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं उसको लेकर के हम उसकी बात कर रहे हैं। 22 जनवरी को जो निर्भया के गुनहगारों की फांसी तय हुई थी, जो डेथ वारंट इशू हुआ था वो अब टल गया है और उसके बाद अब नया डेथ वारंट इशू हुआ है 1 फरवरी का। इसके पीछे बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने डेथ वारंट इशू करवाने में देरी की। आज से 2.5 साल पहले डेथ वारंट इशू हो जाना चाहिए था। यही बात निर्भया की मां का भी कहना है। निर्भया की मां ने भी साफ साफ ये दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो काम दिल्ली की सरकार को करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा, यानी कि निर्भया की मां को करना पड़ा। कानूनी तौर से भी अगर देखा जाए तो ये बात बेहद जायज है। 2.5 साल पहले लगभग निर्भया के गुनहगारों को कोर्ट फांसी की सजा सुना चुका है, ऐसे में 2.5 साल तक उनके लिए डेथ वारंट क्यों नहीं इशू हुआ? क्यों निर्भया की मां को कोर्ट जाना पड़ा इन चारों गुनहगारों के लिए डेथ वारंट इशू करवाने के लिए? और अब ये मामला धीरे धीरे कानूनी दाव पेच में निर्भया के गुनहगार लटकाते जा रहे हैं और इनकी मदद के लिए इंदिरा जयसिंह और ऐसे वकील सामने आ रहे हैं जो फांसी के खिलाफ हैं, जो देश भर में एक कैंपेन चलाते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इंदिरा जयसिंह ने आशा देवी और निर्भया के परिवार के साथ सहानुभूति जताते हुए ये कहा है कि हम निर्भया की मां का दर्द समझ सकते हैं लेकिन उन्हें चाहिए कि वो इन गुनहगारों की फांसी की सजा को माफ कर दें क्योंकि हम फांसी के हक में नहीं हैं। सवाल उठता है कि इतना जघन्य अपराध करने वालों के साथ दया क्यों की जाए? जिन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिनकी वजह से एक लड़की जो है वो इस तरीके के हादसे का शिकार हुई और उसके बाद उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 7 साल से पूरा देश निर्भया के परिवार के साथ खड़ा है और निर्भया के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है। जिन लोगों ने इतनी हैवानियत की आखिर उनके साथ क्यों माफी की जाए? निर्भया की मां का गुस्सा बेहद सही है, जायज है, क्योंकि निर्भया की मां अकेली महिला है। ऐसी नारी शक्ति को सल्यूट करना चाहिए जो अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए आज 7 साल से लगातार लड़ रही है और निर्भया की मां के साथ ये पूरा देश खड़ा है और निर्भया के मां के साथ सहानुभूति के साथ नहीं बल्कि उनकी उनकी शक्ति और उनकी उनकी दृढ़ता के साथ ये पूरा देश खड़ा है और चाहता है कि निर्भया के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ऐसे में अगर वाकई कोई उनकी फांसी को रोकने की कवायद करता है या फिर उनकी फांसी को रोकने की मांग करता है या आग्रह करता है तो निर्भया की मां का गुस्सा जायज है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।